नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल रियलमी जो प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो हमने एनसीईआरटी की सीरीज चालू की है, उसके अंतर्गत आज हम पॉलिटी का अध्ययन करेंगे, पॉलिटी को समझेंगे। पॉलिटी की चैप्टर फर्स्ट की हमने कुछ टॉपिक्स समझ लिए, पढ़ लिए, और नेक्स्ट टॉपिक जो भी बची है हम उसको क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद हम चैप्टर टू में एंट्री करेंगे। ठीक, तो हमने जो भी टॉपिक पढ़ी है उसको हम दोबारा नहीं पढ़ते हुए अगले टॉपिक में चलते हैं। एक टॉपिक का जो भी शेष रह गया उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे कि वित्त को हम कैसे समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, हम विविधता को कैसे समझें, इस टॉपिक को थोड़ा हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है हम पहले समझ चुके हैं पहले वीडियो में। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आप उससे आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप उसको नहीं देखे तो आप उसको देखें, फिर आप उसको देखने के बाद इस वीडियो में आए। ठीक, तो आप बने रहिए और डेली की वीडियो आप डेली देखिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अथवा किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो विविधता को कैसे समझें, विविधता को हम कैसे समझें, विद्या को समझने के लिए अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ तरह तरह के धर्म मिलेंगे, तरह तरह की वहाँ की संस्कृति मिलेगी, वहाँ तरह तरह की आपको सभ्यताएं मिलेंगी। जैसे आप इतिहास को जब पढ़ते हैं तो वहाँ आपको कई तरह की सभ्यताएं मिलती है, कई तरह की वहाँ संस्कृति मिलती है। आप एक जगह जाएंगे तो वहाँ लोग दूसरी तरह रहेंगे, बट आप वहाँ वहीं से कुछ दूर और जाएंगे तो वहाँ लोग दूसरी जगह तरह रहेंगे। अगर आप ध्यान दें तो पहाड़ी पे बसने वाले लोग अलग अलग तरह के रहेंगे, अगर आप मैदानी क्षेत्र के लोगों को देखेंगे तो अलग रहेंगे। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को देखेंगे तो उनके उनके पान उनका पानी उनके उनके कपड़े, उनके खाना, उनका रहने का तरीका, उनके मकान, हर उनकी जो भी वहाँ की खेती होगी, वहाँ की जलवायु होगी, हर तरह वहाँ के भिन्न होगा, वहाँ का अलग होगा। ठीक, अगर आप वही मैदानी क्षेत्रों में देखें तो वहाँ का सिस्टम अलग होगा। अगर आप जो आपकी बुक है इसमें दो क्षेत्र का जिक्र किया गया है, एक है फर्स्ट लद्दाख और दूसरा है केरल। ठीक, जैसे आप देखेंगे कि लद्दाख में वहाँ काफी बर्फ जमी हुई होती है, वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई होती है। गर्मी की ऋतुओं में वहाँ जो बर्फ पिघलती है उसी के बर्फ को लोग यूज करते हैं, उसी को कभी कभी पीते भी है। वहाँ खेती नहीं होती है, वहाँ रहने के घर अलग तरीके से बनाए जाते हैं, वहाँ काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ जो कपड़े होंगे वहाँ के अलग होंगे, वहाँ का जो खाना होगा वो भी अलग होगा। अगर वहीं आप केरल में देखेंगे तो वहाँ अलग अलग सिस्टम है, वहाँ मछली होती है, वहाँ मसाले केरल में अधिक होते हैं, वहाँ समुद्री एरिया, वहाँ समुद्र से जुड़ा हुआ है। केरल में नारियल की खेती खूब होती है, वहाँ मसाले होते हैं। ठीक, वहाँ मछली काफी मात्रा में, वहाँ मछली, चावल, इन इस तरह की वहाँ खेती अधिक होती है, मछली वहाँ अधिक पकड़ी जाती है, जो कि एक चीनी चीन जैसे चाइनीज चीन चीन वाले पकड़ते हैं उस तरीके से पकड़ी जाती है, इसलिए उसका जो भी नाम रखा गया है तो चीन से रिलेटेड रखा गया है। अब जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तीन दो स्थानों का जिक्र किया गया आपके भारत में के अंतर्गत, ये जो दो स्थान है अगर आप देखें तो लद्दाख कहाँ है, उत्तर में लद्दाख है भारत का। आप जब नक्शा देखेंगे सबसे ऊपर उत्तर में जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या है, लद्दाख है, और वहीं दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे छोटा सा क्या है, केरल है, जो कि एकदम से समुद्र से लगा हुआ है। तो केरल में मसाला और वहाँ के क्या नारियल और मछली ये सब भारी मात्रा में वहाँ होता है केरल में, वहाँ टूरिस्ट भी काफी मात्रा में आते हैं।
और अगर आप केरल और जब लद्दाख के वहाँ के भिन्नता देखिए तो वहाँ काफी मात्रा में वहाँ भिन्नताएं हैं। वहाँ लोग लद्दाख में लोग दूसरी तरह के रहते हैं, वहाँ कपड़ा अलग पहनते हैं, वहाँ वहाँ जो खाना खाना है वहाँ का अलग है, वहाँ के जो मकान बने हैं अलग तरीके से बने, वहाँ जो खेती होगी तो लद्दाख में अलग होगी, केरल में अलग होगी, वहाँ के लोगों की भाषा अलग है, केरल की भाषा अलग है, वहाँ के जो लोगों का त्यौहार अलग है, यहाँ का त्यौहार अलग है, वहाँ का नृत्य अलग है, यहाँ का नृत्य अलग है, ठीक, हर चीजें अलग है, भिन्न है। इसी भिन्नता को हम विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविधता। इसी भिन्नता को हम विविधता कहते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक, ये होती है विविधता। इस तरह आप विविधता को समझ सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आप कंपैरिजन तुलना करके आप विविधता को समझ सकते हैं। आप अगर अपने स्टेट और अपने जो भी नजदीकी स्टेट हो उनकी तुलना करेंगे, अगर आप वहां से इस स्टेट से उस स्टेट में विजिट, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विजिट करेंगे तो आपको काफी भिन्नता देखने को मिलेगी। इसी भिन्नता को हम विविधता कहते हैं, समझ, ठीक। अब अपना टॉपिक है भारत में, अरे विविधता में एकता। क्या विविधता में एकता? विविधता में एकता किसे कहेंगे? जब कई धर्म के लोग, कई सभ्यता के लोग मिलजुल के रहते हैं उसी को हम विविधता में एकता कहते हैं। भारत में विविधता में एकता जो है तो एक ताकत का स्रोत बना हुआ हुआ है। जो जब ये स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी तो यह काफी हेल्पफुल हुआ था। क्या? विविधता में एकता। यहाँ काफी धर्म, कई धर्म के लोग रहते हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनमें किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रहती है, वो मिलजुल के आपस में रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एकता। यानी कि भिन्न भिन्न तरह के लोग मिलजुल के रहते हैं, एकता रहते हैं, उनमें एकता रहती है। इस एकता का अंग्रेजों ने कई बार लाभ उठाना चाहा, फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहा, बट वो असफल रहे। इस विविधता को, एकता को तोड़ने में अंग्रेजों ने काफी प्रयास किया बट वो असफल रहे। इस विविधता में एकता का यूज हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, इकट्ठा होकर हम सभी धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का लोग हो, वो साथ लड़ाई लड़े, साथ स्वतंत्रता जीती, साथ में जेल गए, साथ में जेल से बाहर आए, साथ में मरे, साथ में बैठ के खाना खाए, ये सभी एक का एकता एक साथ मिलके उन्होंने काम किया। आज समझ सकते हैं यही है विविधता में एकता। कई धर्म के लोग, कई समाज, कई उनकी जबकि उनका अलग त्योहार है, उनका खाने का तरीका अलग है, उनका धर्म अलग है, उनके सब सिस्टम अलग है, फिर भी वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक, यही है विविधता में एकता। आप देखेंगे कि आपके आसपास भी अलग धर्म के लोग होंगे, फिर भी आप उनसे मिलजुल कर रहते हैं, वो आपसे मिलजुल कर रहते हैं, ना किसी प्रकार का लड़ाई, ना किसी प्रकार का झगड़ा। वो अपना त्योहार मनाते हैं, आप अपना त्योहार मनाते हैं, वो अपना खाना खाते हैं, अपने जो अपना धर्म मनाते हैं, वो अपने सब अपना अपना करते हैं, फिर भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में एकता बनाए रखते हैं, यही है विविधता में एकता। इसे हम कहते हैं विविधता में एकता, जो कि अंग्रेजों की लड़ाई के खिलाफ हमें काफी हेल्पफुल मिला था, ठीक। तो हमने चैप्टर फर्स्ट के जो सारे टॉपिक्स को हमने समझा है क्लियरली। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में नंबर भी 7879165976 में मैसेज करेंगे तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, और आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे, जिस भी टॉपिक्स में हमें लगेगा कि आपकी ज़रूरत है, NCERT के साथ साथ हम अन्य टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए और टीचर्स अगर हमें मिल सके तो हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। बट अब बहरहाल अभी तो अपने पास अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, जितनी मदद हो पा रही है तो हम आपकी कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपकी फुल टू आपकी तैयारी, आपके लक्ष्य के लिए हम हमेशा तत्पर आपके लिए रहेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप किसी भी वक्त आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ रात्रि, जय हिंद।